गर्मी का दस्तक देते ही झारखंड में पानी के लिए कोहराम मच गया है। राजधानी रांची के ज्यादातर जलाशय सूख चुके हैं, लिहाजा लोगों ने अब पानी पर भी पहरा लगा दिया है। एक रिपोर्ट देखिए। रांची में सूरज की तपिश ने जल संकट के हालात पैदा कर दिए हैं। चढ़ते पारे के साथ पानी के लिए अभी से हाहाकार मचा है। नतीजा, लोगों ने पानी पर भी पहरा बिठा दिया है कि अगर गर्मी आई अधिक बढ़ेगी, अगर तापमान बढ़ेगी तो हमें पानी कहाँ से मिलेगा। या हम लोग सोच के हम लोग कुआं को खोद दें, उसमें पानी का जल स्तर बढ़ा हुआ था, अभी तापमान बढ़ी है तो उसमें कम हो गया। और हम चाहते हैं कि सभी को एक कुआं है, चाहे दो कुआं है, जो भी है, दस कुआं है, एक सबका मिल बांट के यानी कि लेके चलना है, बस्ती जगाओ यानी कि बस्ती बचाओ। पानी कम है और लोगों की जरूरतें ज्यादा। लोगों को डर है कि मई जून में हालात और भी बदतर हो सकते हैं। पानी तो बहुत समस्या है, इतना कठिन से मिलता है कि लोग जो है से 10-10 बजे रात तक के यहाँ आए बैठ करके अगोरते रहता है, तब जाके थोड़ा नसीब होता है। अगर लाइन कट गई तो सवेरे भी नसीब नहीं है, चूँकि इसलिए कि अभी से जब ये समस्या है तो मई जून तो क्या समस्या बीतेगा ऊपर वाला बताएगा। झारखंड सरकार भी जल संकट को लेकर गंभीर है। मंत्री सीपी चौधरी ने लोगों की हर संभव मदद करने को कहा है। जहाँ भी हमारे चापाकल है उसको रिपेयर करना है या टैंकर से पानी देना है, सारी व्यवस्था हम लोग जिला स्तर पर हम लोगों ने उपायुक्तों को निर्देश भी दिया और हम लोगों ने फंड भी उपलब्ध करा। प्यासे लोगों को सरकारी मदद का इंतजार है क्योंकि पानी पर पहरा जो लगा है। राजधानी में भी लोग अब पानी को तालों में बंद करके रखने लगे हैं ताकि गर्मियों में अपने और अपने परिवार के सूखे गले को तर कर सकें। कैमरामैन काली प्रसाद सिंह के साथ आशुतोष कुमार, जी मीडिया, रांची।